नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं क्राइम सेवन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सूरत के होड़ी बंगला में स्थित कोहिनूर प्लाजा में अंसारी जूलिया जमात द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंसारी जमात के सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल किट का वितरण किया गया। पिछले 4 सालों से अंसारी जूलिया जमात द्वारा ऐसे नेक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं और इस बार भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को स्कूल किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अंसारी जूलिया जमात के सभी सभ्य और अग्रणी उपस्थित रहे और मुख्य मेहमान के तौर पर माजी मेयर कदीर पीरजादा, चौक बाजार PSI आहिर और डॉक्टर हेतल चौहान भी शामिल हुए और उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आज सूरत शहर में होड़ी बंगला पास अंसारी झूला जमात एमनो आ एजुकेशन ने लगतो कार्यक्रम एटले के एमना समाजना विद्यार्थी विद्यार्थिनीओ जे अभ्यास करे छे, जे नर्सरी थी लईने के 12th सुधी, ए लोगों ने फ्री बुक, फ्री नोटबुक अने स्टेशनरी अमने आपवाना छे। एटलू ज नहीं, एमां जे सारा मार्क्स लावे छे अने सारी रीते भणे छे ए लोकोने एन्करेज करवा माटे एमने इनामो पण आपवामां आवशे, एमनुं स्वागत पण करवामां आवशे, जेनाथी आ समाजमां खास करीने माइनोरिटी समाजमां विद्यार्थीओ विद्यार्थीओ बंने भणे अने एज्युकेशन लईने समाजमां पगभर थाय ए खूब जरूरी छे, एनो मेसेज आपवा माटे અમે સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ અને એટલા માટે હું અહીંયા સ્વાગત કરું છું। માનનીય PSI આહિર સાહેબ પણ છે, અમારા માજી કોર્પોરેટર રફાઈ સાહેબ પણ છે, શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય છે, અમારી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે, બહેનો છે અને લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। અમને એટલો જ મેસેજ છે કે આપણે સમાજમાં આ એજ્યુકેટિવ પ્રોગ્રામને વધારેમાં વધારે જાગૃત કરીએ। અત્યાર હાલ મારી સૈયદપુરા પોલીસ ચોકી લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે અને અહીંના એક આગેવાન છે હર્ષદભાઈ, એના તરફથી આ પ્રોગ્રામ છે। આ એક શૈક્ષણિક પ્રોગ્રામ છે કે જેની અંદર બાળકોને શિક્ષણ માટે થઈને પ્રોત્સાહન મળે, એમને એમની જે શૈક્ષણિક સામગ્રી હોય, બુક્સ છે, બેગ છે, એ પ્રમાણેનું વિતરણ છે। અને આ રીતના પ્રોગ્રામમાં મને ઇન્વિટેશન મળ્યું હતું એટલે મને લાગ્યું કે આટલા નાના નાના ભૂલકાઓ જો મને જોઈને, મારો યુનિફોર્મ જોઈને એ લોકો ભણતા હોય, કંઈક એમને મોટિવેશન મળતું હોય તો મારે પણ એ પ્રોગ્રામની અંદર હાજરી આપવી જોઈએ। અને એ ગણતરીથી જ આજે હું અહીંયા પધાર્યો છું અને હું એવું આશા રાખું છું કે આમાંના જેટલા પણ ભૂલકાઓ છે, ઘણા બધા બાળકો નાના નાના અહીંયા હાજર છે, એમાંના ઘણા બાળકો મારાથી કંઈક પ્રેરણા લે, આ સાહેબો જે હાજર છે એમનાથી પ્રેરણા લે અને સારામાં સારું શિક્ષણ લઈને આપણે આપણો રાજ્ય, આપણો દેશ આગળ વધે એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ। મેરા નામ ડોક્ટર હેતલ ચૌહાણ હૈ ઓર યે જો ઇન લોગોને પ્રોગ્રામ રખા હુઆ હૈ कि भाई गरीब ऐसे बच्चे, ऐसे एक तबके के बच्चे जिनको पढ़ने के लिए जो उनकी प्राथमिक जरूरियात होती है, बुक्स है, फिर स्टेशनरी की है, बैग है, और वो ये लोग उनको दे रहे हैं। और ये मैं तो यूँ मानती हूँ, एक अध्यापक हूँ मैं, प्रोफेसर हूँ VNSU में, तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा दान जो होता है ना वो शिक्षा दान होता है और वही काम ये लोग कर रहे हैं। जो दुनिया का कोई भी इंसान चाहे अनचाहे भी करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता है, और जो अपने ही लोगों के बारे में सोचता है और उनको कुछ देना चाहता है, और ये काम जो ये लोग कर रहे हैं, मैं पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। काफ़ी समय से मैं इन लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, पर उन सारे कार्यक्रमों में मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी ऐसे बच्चों को हेल्प करती हूँ जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम लोग देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को यही चीज़ नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से बच्चा एक कदम पढ़ाई की ओर बढ़ाना चाह रहा है ना वो भी नहीं बढ़ा पा रहा है। ये इन लोगों को, ये लोग जो है उन बच्चों की उंगली पकड़कर उनको स्कूल का रास्ता दिखा रहे हैं। उंगली दिखाना, रास्ते पर चलना अलग बात है और उंगली पकड़ के रास्ते पर ले जाना ये बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए शायद ईश्वर भी उनको जितनी भी आशीर्वाद या जितनी भी वो पुण्य या जो कुछ भी देना चाहता है वो सब दे सकता है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है, मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम सेवन न्यूज़ सूरत।